गणेश चतुर्थी को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां शुरू हो गई थी। महिलाओं द्वारा हरतालिका तीज पूजन के दूसरे दिन गणेश चतुर्थी को लेकर नगर में उत्साही माहौल रहा। बेटमा में राजवाड़ा चौक पर भगवान गणेश जी की मूर्तियों के बाजार आकर्षक रूप से सजे हैं। यहां से श्रद्धालु गणेश जी को अपने अपने घर ले जाकर शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ किया। व्यापारिक प्रतिष्ठान और घर घर में भगवान गणेश जी की स्थापना और पूजन किया गया। वहीं बेटमा के अति प्राचीन सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश जी का फूलों और रोशनी से आकर्षक श्रृंगार किया गया। साथ ही भगवान सिद्धि विनायक को मोदक के साथ 56 भोग भी लगाया गया। बेटमा का सिद्धि विनायक मंदिर अति प्राचीन और ऐतिहासिक है। यहां श्रद्धालु दर्शन के लिए निरंतर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में एक निजी स्कूल के बच्चों ने इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियों का निर्माण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। स्कूली बच्चों के द्वारा निर्मित गणेश जी की मूर्तियां बड़ी आकर्षक लग रही थी। बेटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। नियम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाशवासम मदीयम गिराव्यानकोतीतमीशम गिरीशम करालम महंकालकालम प्रबालम गुणाकार संसार वारम नतोहम तुषाराद्रशंकाशघोरम गभीरम मनोभद्रकोटी प्रवासी शरीरम सुसरलम प्रकर्षम अखंडम अभानुकोटी सकाशम रशूलम निर्मूलम शूलापाणिम भयेयम भवानी प्रतिभागवंदनम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद यदा मही सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारु। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।